जी वाईफाई के सरबरा मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगर इलेक्शन कल होता है तो वो कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जनवरी में बर्फबारी होती है, सिर्फ ये बता दें कि इलेक्शन कराएंगे कैसे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी अंदर कुछ और सियासत के लिए बाहर कुछ और बात करती है। एक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को फोन किया। वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब जायज हुकूक और देरपा अमन के हुसूल के लिए फलस्तीनियों के साथ है। कश्मीर और फलस्तीन का मसला हक़े खुद इरादियत का है। मिशाल मलिक का गजा में खुराक और जरूरी एशिया पहुँचाने का ऐलान। मामले खसूसी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोदी और नेतन्याहू में कोई फर्क नहीं। कश्मीर का मसला, पैलेस्टाइन का मसला हक़े खुद इरादियत का मसला है और ये यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के मुताबिक है और ये ऑक्यूपाइंग फोर्सेज हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ इसराइल है, चाहे वो इंडियन फोर्सेज हैं। हमास के मुजाहमतकारों और इसराइली फोर्सेज की झड़पें तीसरे रोज भी जारी हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 से तजावुज हो गई है, जबकि 2741 इसराइली जख्मी हुए हैं। इससे कबल इसराइली मीडिया ने हमास के हमलों में 800 से शायद इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक की थी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 2200 से शायद अफराद जख्मी हैं, जिनमें से 343 शदीद जख्मी हैं और 22 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक 130 इसराइली फौजी और शहरी गजा में कैद हैं। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली हमलों में 4 इसराइली मुख्तलिफ भी हलाक हो गए। आज भी गजा से इसराइली शहर अश्कलोन पर तकरीबन 100 रॉकेट दागे गए, जिनमें से कुछ ने हदफ को निशाना बनाया। इसराइली फौजी तर्जुमान ने एतराफ किया है कि हालात कंट्रोल करने में तवक्का से ज्यादा वक्त लग रहा है। गजा में अबतर सूरत हाल, अक़वामे मुत्तहिदा ने फरीक़ैन से हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि बैनुल अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम किया जाए, दोनों फरीक़ैन हमले बंद करें, यरगमानियों को रिहा किया जाए। उन्होंने इसराइल की जानिब से गजा के महासरे, बिजली, पानी और खुराक की बंदिश के ऐलान को परेशान कुन करार दे दिया। बोले, गजा में जंग से कबल की सूरत हाल तशवीशनाक थी, ये एक देरीना तनाजा है जिसका सियासी खात्मा नजर नहीं आता। हमास और इसराइल जंग रुकवाने के लिए तैयब उर्दवान मुताहरे, तुर्क सदर से इसराइल और फलस्तीनी सुदूर से रबते, कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब उर्दवान का अमीर कतर को टेलीफोन, जंग की ताजा सूरत हाल पर बातचीत। अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील, तुर्क सदर के लबनान और मलेशिया के वजीर आजम से रबते, फलस्तीन और इसराइल कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल।